आज का प्रेरणा पाते भाव शुद्धि विचार शुद्धि। भाव भीतरी जगत में रहते हैं, भाव हमारे अवचेतन मन से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर लेशियाओं के संपर्क में आने से उन भावों को कलर मिलता है, यानी शुभ और अशुभ भाव जैसा भीतर से उदय प्रारब्ध आ रहा है हमारे कारमन शरीर से अध्यवसाय के माध्यम से, वो कलरलेस जो लेशियाएँ होती है जब अवचेतन मन के साथ स्पर्श होता है और जैसा भाव होता है अशुभ और शुभ भाव। शुभ भाव होता है तो तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएँ होती है, अशुभ भाव होता है तो ब्लंट कलर की कृष्ण नील कापोत लेशियाएँ होती है, और तेज शरीर पर स्पर्श होने के बाद के अंदर वो भाव जो है हमारे तेज शरीर से जो है भीतरी जगत के अंदर एंडोक्लाइन ग्लैंड्स जुड़ी हुई रहती है जो डक्टलेस होती है, उनमें कोई छेद नहीं होता है, लेकिन वो हमारे कलर्ड भावों के संपर्क में आकर के उन वाइब्रेशंस के संपर्क में आकर के और उनको लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। लिक्विड फॉर्म में बदल कर वो सारा लिक्विड हमारे ब्लड के साथ में पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो हमारे जिस तरीके के जो है हमारे भाव है, यानी जो शुभ भाव है, उन शुभ भावों का एन्जॉयमेंट ब्लड के अंदर चला गया है द्रव्य रूप के अंदर, और उसके वहाँ चला जाने के बाद में जो हमें भोग के लिए आता है, यानी हमारा उदय और प्रारब्ध होता है, और उसी के अनुरूप जो है हमारी जो है वो बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारिणी है, और हमारे हाथ पांव वैसा एक्शन करने लगते हैं।